और सहरसा के महिषी प्रखंड के राजनपुर पंचायत के लोग आज भी स्वास्थ्य संबंधी जैसी बुनियादी सुविधाओं से वंचित हैं। इलाके में मौजूद प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र आज जर्जर अवस्था में है। आलम यह है कि अब यहाँ डॉक्टर्स के बैठने की जगह बकरियां और गाय बंधी है, जिसे यहाँ के लोगों को इलाज के लिए मीलों दूर का सफर तय करना पड़ रहा है। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र की बदहाली की शिकायत कई बार स्थानीय मुखिया और प्रशासनिक अधिकारी से की गई, लेकिन अभी तक कोई पहल नहीं की गई है, जिस कारण यहाँ के लोग काफी आक्रोशित हैं। वहीं पंचायत चुनाव लड़ रहे डॉक्टर संजीव कुमार ने कहा कि चुनाव में जीत मिलने के बाद प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र को फिर से चालू करवाना उनकी पहली प्राथमिकता रहेगी। आप देख रहे हैं जो पीएचसी का जो है किस तरह हाल है, बकरियां चल रही हैं, लेकिन यहाँ के जो जनप्रतिनिधि हैं, जो यहाँ का स्थानीय जनप्रतिनिधि है, कह लीजिए यदि मुखिया जी भी है, और अभी तक लगभग 20 साल से तो इस तरह का जो बना हुआ इस पे किसी प्रकार का ध्यान नहीं दिया गया। यह हॉस्पिटल होना अनिवार्य है, 8000 पॉपुलेशन की आबादी है इस पंचायत, और डॉक्टर का नामो निशान यहाँ नहीं है, नर्स भी है यहाँ, अपॉइंटमेंट सब कुछ है। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ संवाददाता सरफराज जुड़ चुके हैं। सरफराज, काफी बड़ा मामला सामने आया है, स्वास्थ्य सुविधा से वहां के लोग वंचित हैं। प्रशासनिक अधिकारी हों चाहे तमाम वहां के जो लोग हैं, जो बड़े अधिकारी हैं, वो भी इस पर कुछ भी कहने से बच रहे हैं, और जर्जर स्थिति में ये सामने हमारे दिख रहा है। क्या कुछ वहां पर और कहना है? जी देखिए, ये कोई नया मामला नहीं है, ये पुराना, बहुत ही पुराना मामला है, और एक जगह नहीं है, कई ऐसे इलाके अभी भी है जहाँ स्वास्थ्य केंद्र जो है वो नहीं है। और जहां तक बात राजनपुर इलाके की कर रहे हैं, जो महसी प्रखंड के अंतर्गत पड़ती है, जो कोसी इलाके के बांध के भीतर पड़ती है, जहां लगभग बताया जाता है कि 14,000 से 15,000 की आबादी उस इलाके में है, लेकिन स्वास्थ्य केंद्र जो है वो वर्षों पहले जो है भवन जो है वो टूट गई थी, जिसके बाद वहां से स्वास्थ्य केंद्र को हटा दिया गया था। वही इस मामले की जानकारी जब सिविल सर्जन अवधेश कुमार से ली गई तो उन्होंने फोन तक रिसीव नहीं किया। जी, तो आगे अब क्या कुछ सामने इस पर निकल कर आ रहा है, क्या कुछ वहाँ के लोगों को कहना है इस पे? देखिए, वहाँ के लोगों का वहाँ के लोगों का कहना है कि जब जो इस इलाके के लोग जब बीमार पड़ते हैं तो उसे महसी लाया जाता है, लेकिन महसी का भी इस तरह की स्थिति है, जो स्वास्थ्य केंद्र है वहाँ पे इलाज का कोई सुविधा नहीं है, जिसे किलोमीटर मतलब कितनी 20 से 25 किलोमीटर की तय कर उन्हें सदर अस्पताल लाते हैं, लेकिन इस बीच जो है कई लोगों की रास्ते में ही मौत हो जाती है। जहां तक इलाका राजनपुर का इलाका है वो कोसी बांध के भीतर पड़ती है, और ऐसे में स्वास्थ्य व्यवस्था जो है वहां की पूरी तरह से चौपट हो चुकी है, इलाज के दौरान किसी लोगों की वहां पे मौत भी हो जाती है। बता दें कि वो एक ऐसा इलाका है जहाँ 9 से लोग सफर कर जो है शहरी महसी प्रखंड की ओर आते हैं, लेकिन रास्ते में ही कितने लोगों की मौत हो जाती है। जी, तो ऐसा वहाँ के ग्रामीणों का भी आरोप है कि जो वहाँ के भी मौजूदा जो मुखिया हैं, उन्होंने भी उन तक भी ये शिकायत की गई है, लेकिन उन्होंने भी कोई संज्ञान लेने के बाद भी कोई अब तक यहाँ पर कार्रवाई नहीं की गई, ये कहाँ तक सच है सामने? देखिए, यहाँ सिर्फ मुखिया के बात सामने नहीं आ रही है, बल्कि जनप्रतिनिधि विधायक कह सकते हैं, विधायक भी कितने बार वहाँ के लोगों को आश्वासन दिया था और स्वास्थ्य सुविधा दुरुस्त करने की बात कही थी, लेकिन जब चुनाव जीत जाते हैं तो उस और ध्यान नहीं जाता है, और जहां तक लोगों का जो समस्या है वो उस समस्याओं को सुलझा नहीं पाते हैं। जी सरफराज, तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो बता दीजिए, सहरसा का पूरा मामला है, सहरसा के महिषी प्रखंड के राजनपुर पंचायत का ये पूरा मामला है, जहां पर आज भी लोग स्वास्थ्य सुविधाओं से वंचित हैं। इलाज के लिए यहां के लोगों को कई मीलों का सफर तय करके जाना पड़ता है, और जैसा कि हमारे संवाददाता ने बताया सरफराज ने, कि यहां पर करीबन 14,000 से 15,000 लोग रहते हैं, इतनी आबादी है यहां पर, फिर भी डॉक्टर्स नहीं है। तस्वीरों में आप साफ देख सकते हैं किस तरीके से प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र आज जर्जर स्थिति में है। यहाँ पर जानवर बांधे गए हैं, बकरियां गाय यहाँ पर बांधी जाती हैं, लेकिन संज्ञान लेने के बाद भी किसी भी प्रशासनिक अधिकारी ने भी इस पर कुछ भी कहने से इनकार कर दिया है, और यहाँ के लोग स्वास्थ्य सुविधाओं से वंचित हैं। और इस खबर पर अब ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़े हैं सहरसा के सिविल सर्जन अवधेश कुमार जी।
बहुत बहुत स्वागत है सर आपका हमारे चैनल नेशन न्यूज में। और इस तरह का मामला सामने आया है, कई दिनों से, कई सालों से यहाँ पर लोग जो हैं स्वास्थ्य सुविधाओं से वंचित है। यहाँ के लोगों का कहना है कि इसके बारे में जो मौजूदा मुखिया हैं और जो भी प्रशासनिक अधिकारी हैं उन तक ये बात दी गई है, लेकिन मामला संज्ञान में आने के बाद भी इस पर कोई कार्रवाई नहीं की गई। इस पर क्या कुछ कहेंगे आप? जी, हमारे संज्ञान में तो अभी कोई मुखिया जी लोग हमसे मिले नहीं हैं, और हम एक एक स्वास्थ्य केंद्र का खुद इस संबंध में, जहां जर्जर भवन है तो हम बिहार मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर कॉरपोरेशन लिमिटेड को हमेशा बहुत सारे पत्र, बहुत सारे स्वास्थ्य केंद्र के विषय में लिखे हैं, लेकिन इस अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र का कोई रिप्रेजेंटेशन या कोई चिट्ठी विधिवत हमारे सामने नहीं आया। हो सकता है कि हमसे पहले वाले सिविल सर्जन के पास आया हो, लेकिन जो अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र की बात की जाती है, वो अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पंचायत भवन में बनता है, भवन में चलता है, दो कमरा में, पंचायत भवन के दो कमरा में वो अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र चल रहा है। और वहाँ पर मेडिकल ऑफिसर डॉक्टर चंदन कुमार MBBS है और डॉक्टर ब्रज किशोर मिश्रा आयुष है। हेलो जी, जी जी, हम आपको सुन पा रहे हैं अवधेश जी, कहिए सर। हाँ, दो मेडिकल ऑफिसर भी वहाँ पोस्टेड हैं राजनपुर में, और एक दीपक कुमार सिन्हा हेल्थ एजुकेटर है वहाँ पर पोस्टेड, श्रीमती रेखा कुमारी संविदा आधारित ए ग्रेड है वहाँ पर, और दो कर्मचारी वहाँ से सेवानिवृत्त हुए हैं, वो हैं श्यामदेव पासवान और सुख नारायण पाठक, जो इसी साल सेवानिवृत्त हुए हैं। तो जो हमारा स्ट्रेंथ है HR का यही है, और उसका अपना भवन नहीं है। जैसा कि हमारी जानकारी में है कि 1987 में कोई गैर मजरूआ जमीन इस एडिशनल PHC के लिए शायद विभाग के नाम से रजिस्ट्री हुई थी, लेकिन वो थोड़ा विवाद हुआ कि एलोपैथ का है या फिर आयुर्वेदिक का है इस पर, लेकिन वो हमारे सामने अभी तक ऐसा कोई मामला नहीं आया है। हमने इस संबंध में सर्किल ऑफिसर को, वहाँ के सर्किल महसी के सर्किल ऑफिसर को लिखा है कि जमीन के विषय में विस्तृत जानकारी दी जाए, ताकि बिहार मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर कॉरपोरेशन लिमिटेड को भवन निर्माण हेतु हम यहाँ से अधियाचना भेज सकते। लेकिन सर यहाँ पर जिस तरीके से आपने बताया, और लेकिन यहाँ पर जो स्थानीय ग्रामीण हैं, 14,000 से 15,000 लोगों की आबादी है इस पूरे गांव में, जो पंचायत आपको पड़ता है राजनपुर, लेकिन यहाँ पर लोग अभी, इनका यही कहना है कि इन्होंने पूर्व में भी कई बार जाकर बताया है, लेकिन जिस तरीके से हम तो यहाँ पर तस्वीरों में देख सकते हैं काफ़ी जर्जर स्थिति में है, और जिस तरीके से सूबे के जो स्वास्थ्य मंत्री हैं मंगल पांडे, उनका सपना है कि हर गांव में लोगों को बेहतर से बेहतर स्वास्थ्य सुविधा मुहैया कराई जाए, लेकिन इस तरीके की बात अब सामने आ रही है, तो इस पर अब आपका पहल क्या कुछ होने वाला है सर? है कि पहले तो हम उस जमीन को कब रजिस्ट्री हुई है, इसको खोजने कितनी जमीन है, और अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के नाम से जो जमीन इतना होना चाहिए उतना है या नहीं है, तो अगर वो मिल जाती है हमको CO के यहाँ से, क्योंकि हमारे यहाँ उसका कागजात नहीं मिल पा रहा जी। तो हम CO को लिखे हैं, महिषी CO को, और उसकी कॉपी DM साहब को भी देंगे। जब जमीन का कागजात पूर्ण मिल जाएगा तो वहाँ पर भवन निर्माण हेतु हमारी विशेष पहल होगी, और हम बिहार मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर कॉरपोरेशन लिमिटेड को और उसके जो ये हैं प्रबंध निदेशक, उनसे भी हम पर्सनली रिक्वेस्ट करेंगे कि वहाँ जल्द से जल्द बन जाए, क्योंकि वो बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट है, बहुत इम्पोर्टेंट एडिशनल PHC है, ये मेरा मानना। जी जी, हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका, और अपना मूल्यवान वक्त देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका, धन्यवाद। और इस खबर पर हमारे साथ जुड़ गए हैं सहरसा के महिषी प्रखंड के राजनपुर पंचायत के इस बार के भावी प्रत्याशी डॉक्टर संजीव कुमार। संजीव जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका नेशन न्यूज में, और इस तरह की बात सामने आ रही है और जर्जर हालत में दिख रहा है, हम TV स्क्रीन पर दिख रहे हैं कि यहाँ के लोगों का भी कहना है कि यहाँ पर
भेड़ बकरियों को बांधा जाता है, लोगों को स्वास्थ्य की सुविधा मुहैया नहीं कराई जाती है और कई मीलों दूर चलकर लोगों को अपने इलाज के लिए जाना पड़ता है। तो आप इस बार पंचायत चुनाव वहां से लड़ रहे हैं, आपका क्या कुछ यहां पर एजेंडा है संजीव जी? देखिए जो राजनपुर पंचायत है ना, सहरसा से पश्चिम है और ये 25 किलोमीटर पश्चिम स्थित है। तो यहाँ 20 साल पहले जो ये उप स्वास्थ्य केंद्र है ये चला करता था, लेकिन उसके बाद धीरे धीरे ये जो है उसका खड्डा गिर गया, उसके बाद जो है छत भी ढह गया। और देखने की किस स्थिति में, आप वीडियो में खुद देख सकते हैं, जब हम वहाँ पे गए जायजा लेने के लिए तो ग्रामीणों का काफी आक्रोश था और कहा यहाँ जो है 5-6 पंचायत का बाजार है राजनपुर और यहाँ पे कुछ स्वास्थ्य केंद्र नहीं है, जिसके कारण महिषी जाना पड़ता है या तो सहरसा जाना होता है। तो वहाँ जो बसे हुए हैं वो काफी गरीब लोग हैं, जिसके पास आने जाने की साधन नहीं है, बीच में नदी पड़ता है, नदी में आने जाने में 40-50 रुपया खर्च आता है। इस स्थिति में क्या होता है, या तो उधर दम तोड़ देता और इलाज नहीं हो पाता है। इसके लिए समुचित व्यवस्था के लिए हम लोग मांग करेंगे, जो स्थानीय जनप्रतिनिधि है या जो MLA MP है उनको भी इस उप स्वास्थ्य केंद्र के लिए मांग करेंगे कि जल्द ही ये सुचारू रूप से काम करने लगे। यहाँ जो प्रतिस्थापित है, जो भी नर्स है डॉक्टर है, वो जाके दूसरी जगहों पे बैठते हैं, उसकी साधन नहीं है बैठने का, इसके वजह से वो है। जी जी संजीव जी, लेकिन यहाँ पर जिस तरीके से हमने खबरों में भी देखा है कि ग्रामीण जो है काफ़ी आक्रोश में है, लोगों को काफ़ी दूर जाना पड़ता है, और हमारी बात भी हुई है सहरसा के सिविल सर्जन से, उनका भी कहना है कि ज़मीन की रजिस्ट्री की बात उन्होंने की है इस पर और कहा है कि अगर इस तरह की बात हमारे सामने संज्ञान में आई है तो उनका कहना था कि पूर्व में सिविल सर्जन को ये बात की जानकारी दी गई होगी, लेकिन उनके संज्ञान में ये पूरा मामला नहीं आया है, लेकिन अब उन्होंने भी इस पर बात की है। लेकिन आपका क्या कदम इस पर अब होने वाला है, क्योंकि आप इस बार का पंचायत चुनाव लड़ रहे हैं और पंचायत चुनाव बेहद नज़दीक है और जो मुखिया है वहाँ के, वर्तमान मुखिया है, उनके खिलाफ भी जो है वहां की जनता में काफी रोष भी है, क्योंकि आपको जनप्रतिनिधि बनाकर वहां पर भेजा जाता है और इस तरीके से लोगों की उम्मीद पर अगर पानी फेरा जाए तो काफी दुख भी होता है। तो वहां के लोगों को काफी आस है कि वहां पर स्वास्थ्य सुविधा जो है मुकर्रर कराई जाए। तो आप इस बार का पंचायत चुनाव लड़ रहे हैं, वहां के प्रत्याशी हैं, तो आपका क्या कुछ इस पर अब अगला कदम होने वाला है, आप इसको लेकर कहां तक बात को उठाएंगे? वहाँ के जो जनप्रतिनिधि है वो सब सत्ता लोभी आदमी है, किसी तरह चाहते हैं सत्ता आ जाए, जनता के हर हक और हकूक के लिए किसी प्रकार के लिए नहीं सोचते हैं। आज वहाँ इंदिरा आवास हो, मनरेगा हो, सभी में भ्रष्टाचार घुसखोरी से ही भरा हुआ है। जो ऑफिसर है वो अपने कब्जे में रखना चाहते हैं, अपने जेब में रखना चाहते हैं, जिसके कारण वहाँ ये स्थितियाँ हैं। लेकिन ऐसा इस बार होने नहीं देंगे, जो भी घुसखोर है या घुसखोरी चाहता है उसे या तो पंचायत से विदा लेना होगा, या सही से वो काम करने लगेंगे, या तो सुधरेंगे, ऐसे किसी को नहीं बख्शा जाएगा। इसके लिए हम जन से मिल रहा हूँ, आम जनता से भी मिल के इस बात को रख रहा हूँ कि यहाँ जैसे भी लोग हैं हम लोग का साथ दीजिए और PSP का जो है जल्द से जल्द निर्माण कराया जाए। जो जमीन की बात कर रहे हैं CSC साहब, तो CSC साहब को भी पता होना चाहिए कि यहाँ जो गैर मजरुआ ढेर सारे जमीन है वहाँ भी तो किया जा सकता है, लेकिन उसके भी ओर से कोई पहल नहीं किया गया है। वो चाहते तो हो सकता है, लेकिन जहाँ तक जमीन की बात किए हैं, हम ग्रामीण सब मिल के जो गैर मजरुआ जमीन है CA साहब को हम लोग लिखित रूप से देंगे कि कहाँ पे ये जमीन है, उस जमीन पे बनाया जाए। जी जी, तो इस पर वही रजिस्ट्री की बात भी की गई है कि अगर रजिस्ट्री होती है तो अगर इस बात की अगर सामने आती है तो इस पर जो है काम किया जाएगा, लेकिन प्रशासनिक अधिकारी से क्या आपकी बात किसी से हुई है वहां पर, क्योंकि किसी ने भी कुछ भी कहने से इनकार कर दिया है। तो आप इस बार चुनाव लड़ रहे हैं वहां पर, तो आपकी कोई बात इस पर हुई है? तो इस बात से जो है वो मुकर गए हैं, अभी कुछ बताने की स्थिति में नहीं है। तो आप इस मांग को लेकर आगे भी लगातार जो है करते रहेंगे अपना पूरा काम, पहुंचेंगे और आगे जो है जो वहां पे स्थानीय प्रतिनिधि मतलब MLA है उसके पास ये मांग को रखेंगे कि CSC से विधानसभा में मांग उठाए और वहाँ के जो लोग हैं, जो आम जनता है, उसको सुचारू रूप से व्यवस्था मिले। जी जी, हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका डॉक्टर संजीव जी, धन्यवाद। तो अभी हमने बात किया है सहरसा के महिषी प्रखंड के राजनपुर पंचायत के इस बार पंचायत चुनाव के भावी प्रत्याशी हैं डॉक्टर संजीव जी, जिन्होंने हमसे बात किया पर और इस पूरे मामले के बारे में उन्होंने बताया है। और स्वास्थ्य सुविधाओं से आप तस्वीरों में देख सकते हैं
कि स्वास्थ्य सुविधाओं से लोग वंचित हैं। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र अब भी जर्जर स्थिति में है। सिविल सर्जन का भी कहना है इस पर कि रजिस्ट्री की बात उन्होंने कही है और इस बात को उन्होंने कहा है कि संज्ञान में आने के बाद अब हम इस पर कार्रवाई करेंगे। और लगातार इस पर जो राजनपुर पंचायत के जो कि भावी प्रत्याशी हैं इस बार के पंचायत चुनाव के, डॉक्टर संजीव जी, उनका भी कहना है कि वो लगातार इसकी मांग को लेकर आगे भी बढ़ते रहेंगे और जो वहाँ के विधायक हैं वो भी इसकी मांग को लेकर विधानसभा में भी उठाने की बात उन्होंने की है।